हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए एक और ड्रेस बनाएंगे। सैटिन रिबन की हेल्प से हमने ये ड्रेस बनाई है, जो बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल ड्रेस बनी है। बहुत यूनिक स्टाइल की ड्रेस है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैंने ब्लू एंड गोल्डन कलर के रिबन लेके ये ड्रेस बनाई है। देखिए, अपने कान्हा जी को भी मैंने पहनाई है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, यूनिक कॉम्बिनेशन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रिबन्स यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, कैंडल यूज़ करेंगे, बेस लेंगे बुकरम का, सीजर हम यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे ग्लूगन यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे थ्रेड नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चौड़े वाला रिबन लिया है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, 8 सेंटीमीटर मैंने लेंथ ली है। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रिप्स कट किए हैं 8 सेंटीमीटर की और इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके शेप बनाऊंगी। तो ऐसे हमको कोन की शेप बनानी है और फिर कैंडल के ऊपर ले जाके हमको इस शेप को एज इट इज सील करना है। तो पहले टॉप को मैं थोड़ा कैंडल के ऊपर लेके गई, वहाँ पे मैंने जॉइन किया। डाउन साइड में मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट कर रही हूँ क्योंकि अनइवन हो रहा है। और फिर इसको मैं कैंडल के ऊपर ले जाके ऐसे एजेस को जॉइन कर दूँगी। तो देखिए, ये हमारी जो है वो इस तरीके से शेप बनती है। एक और हम बनाते हैं। तो इस तरीके से मुझे कोन की शेप में इस तरीके से फोल्ड करना है। टॉप को पहले मैं सील करूंगी और फिर डाउन साइड को भी मैं कैंडल के ऊपर ले जाके सील करूंगी। अच्छे से हमको जॉइन करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारे ये पेटल्स बनते हैं। यहाँ पे मैंने अपने ब्लू एंड गोल्डन कलर के पेटल्स ऑलरेडी बना के रख लिए हैं। अब हम अपने ड्रेस का बेस बनाएंगे। तो ये ड्रेस जो है वो सभी साइजेस के कान्हा जी के लिए बन जाएगी। यहाँ पे 3 नंबर के कान्हा जी के लिए मैंने 8 इंच का डायमीटर लिया है बुकरम का, मिडिल में एक स्मॉल सर्कल लिया है और इसको मैं कट करूँगी। तो 3 नंबर के कान्हा जी के लिए 8 इंच का डायमीटर लिया है। अगर आप उससे स्मॉल साइज़ बना रहे हैं तो आप 5-6 इंच का डायमीटर लें, और अगर आप बड़े साइज़ के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 10-11 इंच का डायमीटर लें। और अभी मैं यहाँ पे 2 लेयर की ड्रेस बनाऊँगी। अगर आप बड़े साइज़ के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप 1 लेयर और ऐड कर सकते हैं, 3 लेयर की ड्रेस बना सकते हैं। तो मैंने अपना बेस यहाँ पे ले लिया है। अब मैं यहाँ पे ग्लूगन की हेल्प से अपने इन पेटल्स को ड्रेस की बेस पे लगाऊंगी। यहाँ पे आप इसको थ्रेड नीडल की हेल्प से भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो सिलाई मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आउटर लेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। एक गोल्डन, एक ब्लू, फिर एक गोल्डन, एक ब्लू, इस तरीके से हम ये पैटर्न बना के अपनी ड्रेस को बनाएंगे। बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका, आप इसको ट्राई करके देखें। आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें। तो देखिए, हमारी आउटर लेयर जो है वो बन गई है। अब हम इसी तरीके से अपनी इनर लेयर बनाएंगे। तो अगेन ब्लू गोल्डन, फिर ब्लू गोल्डन, इस तरीके से मैं अपनी ड्रेस के बेस में लगाती जाऊंगी। बहुत ही यूनिक स्टाइल की ड्रेस बनती है ये और बहुत इजी है बनाना। तो देखिए, हमने इस तरीके से अपनी ड्रेस के बेस पे अपने पेटल्स को लगा लिया है। अब हम थोड़े से मोती यहाँ पे अपनी ड्रेस पे लगाएंगे ताकि उसका लुक और अच्छा हो जाए ड्रेस का। तो जो दो पेटल्स के बीच की स्पेस है, यहाँ पे मैं अपने वाइट कलर के मोती लगा रही हूँ। अगेन मैं यहाँ पे ग्लूगन की हेल्प से लगा रही हूँ, आप इनको स्टिच कर सकते हैं। तो एक लेयर मैंने लगा ली। अब मैं डाउन साइड भी, जो मेरी दो पेटल्स की स्पेस है, वहाँ पे भी मैं अपने मोती लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो एक ही लेयर पे लगाएं, बाहर ना लगाएं।
लेकिन इससे लुक और ज़्यादा थोड़ा हैवी लुक आ जाता है ड्रेस का और ब्यूटीफुल लगता है, इसलिए मैं बाहर वाली लेयर में भी अपने मोती लगा रही हूँ। तो देखिए हमारी ड्रेस का बेस रेडी हो गया है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अब हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लू और गोल्डन रिबन लिया है, पतले वाला गोल्डन का रिबन लिया है और उसको आपस में मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे गोल्डन वाला रिबन को मैंने अंदर की साइड रखना है, तो इस तरीके से मुझे अपने गोल्डन रिबन को लगाना है। अब मैं आउटर साइड में ब्लू लेयर में स्टोन चेन से उसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी स्टोन चेन लगाई है आउटर साइड में अपनी स्लीव्स की। अब हम इनको आपस में जॉइन करेंगे। इस तरीके से हमको इनको जॉइन करना है। तो हमारा जो स्लीव्स का पोर्शन है रेडी हो गया है। अब हम इसको अपने ड्रेस के बेस से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जॉइन वाले पोर्शन को मैं इस तरीके से अटैच किया और फिर स्लीव्स को भी थोड़ा सा ग्लू लगा के मैंने अपनी ड्रेस के बेस से अटैच करना है। और आप यहाँ पे इसको स्टिच भी कर सकते हैं। तो हमारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस रेडी हो गई है। बहुत यूनिक स्टाइल की ब्यूटीफुल ड्रेस बनाई है हमने आज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।